बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीठा चाट बना रहे हैं, वो भी शादियों वाला। सबसे पहले हम मीठी चटनी बना रहे हैं। एक कप हमने मीठी इमली ली है और इसको इधर ऊपर रखा हुआ है उबालने के लिए। हमने एक कप पानी डाला है, थोड़ा सा आधा कप और पानी डालेंगे। इसको जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें नमक और चाट मसाला डालेंगे। पानी को उबाल आ गया है, अब हम ये आधा कप चीनी का डाल रहे हैं। जब हमारी चीनी अच्छी तरह इसमें घुल जाएगी तो फिर हम इसमें मसाले और डालेंगे। चीनी हमारी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई है, अब हम एक चम्मच नमक भी डाल रहे हैं और एक चम्मच चाट मसाला। आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। चटनी को थिक करने के लिए हमने ये एक कप लिया है, इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और पानी से अच्छी तरह इसको घोल लेंगे। ये बटर हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको चटनी में मिलाएंगे। चटनी हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है, अब हम कॉर्नफ्लावर इसमें मिलाएंगे। इस तरह आस्ता आस्ता 7 चम्मच लाते रहेंगे, साथ इसको मिलाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें हमारी चटनी कितनी थिक हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये अब रेडी हो चुकी है, अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पहले हमने मीठी चटनी बनाई है, अब हम मीठा चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सफ़ेद चने और सुरख लोबिया ये डालेंगे। इनको हमने अच्छी तरह उबाल लिया है। ये आलू तकरीबन हमने 4 अदद लिए हैं, ये भी हमने उबाल कर काट लिए हैं बारीक बारीक। ये 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, ये हम डाल रहे हैं। और ये शिमला मिर्च, ये भी हमने 2 अदद लिए हैं, इसको भी हमने बारीक और लंबाई में काट लिया है। और ये है बंद गोभी थोड़ी सी, ये भी हमने डालनी है। ये 2 अदद हमने दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके बाद हमने 3 अदद सेब लिए हैं, उनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये शादियों वाला मीठा चाट है। ये अनार, ये भी हमने 2 अदद लिए हैं, ये भी हम सारी चीज़ें हम पहले डाल लेंगे फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये है मैकरोनी, ये भी हमने तकरीबन 1 कप उबाल ली है। ये है सब्ज़ धनिया, खुशबू के लिए हमने थोड़ा सा डालना है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने नमक की ली है, 2 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। और इसके बाद हमने मीठी चटनी जो हमने बनाई है तकरीबन 4 चम्मच जो हैं वो हम डालेंगे। नौ, 3 और 4, ये हम इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर कम हुई तो फिर और भी हम डाल लेंगे। अब हमने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है।
मीठी चटनी इसमें कम है, अभी हम और डाल रहे हैं 2 चम्मच तकरीबन और हम डाल रहे हैं भर के। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हमने चेक करना है नमक कम तो नहीं है, अगर नमक कम है तो और डाल लेंगे चाट मसाला, अगर और डालना है तो और डाल लेंगे। माशाल्लाह हमारा शादियों वाला मीठा चाट रेडी हो गया है। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह हमारा मीठा चाट शादियों वाला रेडी हो गया है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। यकीनन मेहमान खाकर बहुत ही खुश होंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। और आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हमारा ये शादियों वाला मीठा चाट आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।